तो so, हम आज बात करेंगे बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ठीक है ना क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का वर्गीकरण कह है सकते हैं इसको तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का वर्गीकरण सबसे पहले जो बैक्टीरिया आते हैं वर्गीकरण में उन्हें बोलते हैं हम हिंदी में आदि बैक्टीरिया बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रीमेटिव बैक्टीरिया प्रीमेटिव बैक्टीरिया हिंदी में कहते हैं आधे बैक्टीरिया आधे जीवाणु ठीक है तो ये जो आधे बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु होते हैं सबसे पहले तो इनका लिविंग स्टाइल देख लीजिएगा लिविंग स्टाइल पहला पॉइंट जो है इसमें आपको देखना है इनका वो देखना है नंबर वन लिविंग स्टाइल लिविंग मतलब ये कैसे लीव करता है ठीक है ना लिविंग स्टाइल क्या है इनका रहने का तरीका इसे लिविंग स्टाइल को हम अपने वर्ल्ड बोलने के तरीके से तो लिविंग स्टाइल बोल रहे हैं बट वैसे से हैबिटेट कहा जाता है ठीक है ना हैबिटेट हैबिटेट, वास स्थान, क्या बोलते हैं? वास स्थान वास स्थान हिंदी में शायद स्पेलिंग गलत हो रही है वास स्थान ठीक है ऐसे कुछ करके वास स्थान ठीक है तो यह इनका वास स्थान क्या होता है देखो कहाँ कहाँ पर ही पाए जा सकते हैं तो इसके पाने से क्वेश्चन कई बार नीट में पूछे गए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए नीट में तो नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है नंबर एक तो ये पाया जाता है किस जगह पाया जाता है ये पाया जाता है बहुत ही ज्यादा सोल्टी एरिया में क्या तो पाया जाता है सोल्टी एरिया में सोल्टी एरिया सोल्टी एरिया सोल्टी एरिया का मतलब होगा जहां सॉल्ट तो बहुत ज्यादा होगा साल्ट का मतलब समझ गए नमक या लवण ठीक है ना तो जहां पे लवण ज्यादा होगा एक तो वहां पाया जाएगा और जब ये लवण वाले एरिया में ज्यादा पाया जाएगा लवण होता ज्यादा कहाुद्र में होता है तो इसका मतलब ये समुद्र में पाया जाएगा नहीं है अब जो समुद्र में पाए जाते हैं उन्हें कहते क्या है ऐसे जीवाणु जो समुद्र में पाए जाते हैं या साल्ट में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उनका नाम है उनका नाम है हेलोफी क्या कहते हैं उनको हेलोफी तो कहते हैं क्या कहते हैं उनको कहते हैं हेलोफी हेलो फी हेलो कहते हैं क्या कहते हैं भाई इनको हेलोफी कहते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी क्लियर हो गई दूसरा प्रॉब्लम जो हमें देखना प्रॉब्लम कह रहा हूं दूसरा जो थिंग हमें देखना है दूसरी जगह कहां पे पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं दूसरा गर्म झरनों में कहां पाए जाते हैं गर्म झरनों में गर्म झरने देखो गर्म झरने का मतलब झरने तो पता ही होगा आपको किन बोलते हैं जहां पानी ऊपर से गिर रहा है गर्म पानी गिर रहा है ठीक है ना तो यानी कि हॉट वाटर कह सकते हो आप इसको क्या वार्ट कह सकते हो हॉट वाटर झरनों को वैसे इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं तो हॉट स्प्रिंग क्या बोल लेंगे इसको हॉट स्प्रिंग स्प्रिंग का मतलब क्या होगा झरना हॉट का मीन्स क्या होगा गया गर्म तो जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं उन्हें भी कुछ कहते ही होंगे उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं भाई इनको उनको कहते हैं थर्मो एसिडो थर्मो एसिडो फिल्स थर तो अभी तक हमें दो का पता चल गया कि जो साल्ट एने पाए जाते हैं उन्हें क्या कह देते हैं जो गर्म झड़ने पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते है? है तो हैं ठीक है ना थर्म एसिडोफिल्स कहते हैं तीसरे टाइप के जो पाए जाते हैं वो पाए जाते, है? जाते हैं है जंतुओं की आंत में कहा पा पाए जाते हैं जंतुओं की आंत में पाए जाते हैं ठीक है ना और कौन से जंतुओं के आंत में पाए जाते हैं रोमिनंट एनिमल्स ये कौन से एनिमल्स ये रोमिनंट एनिमल्स रोमिनेट एनिमल्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं आपने देखा होगा ना जैसे गाय भैंस होगी वो जुगाली करती रहती है तो वे एनिमल्स जो होंगे उनकी आंत में पाया जाएगा तो जो जुगाली करने वाले जो जंतु हैं जुगाली करने वाले जंतु जिन्हें इंग्लिश में एक वर्ड आता है रोमिनेंट एनिमल्स क्या वर्ड आता है इंग्लिश में रोमिनेंट एनिमल्स, एनिमल्स वर्ड आता है तो रोमिनेंट एनिमल्स की ये आंत्र में पाए जाते हैं क्या इंग्लिश में वर्ड है आंत्र के लिए Indes, time में पाया जाता है ठीक है ना और फिर वही वाला पॉइंट इन्हें कहते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं जो एनिमल आंत में पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं मैथेनोज क्या कहते हैं इनको मैथेनोज मैथेनो जन मैथेनो जन तो हमें पूरा हैबिटेट पता चल गया है ये तीन में जाते हैं। एक दो तीन आता आता बैक्टीरिया को क्या कहते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं मैथानोजन और वो पूछ लेगा जो गर्म झरों में उन्हें क्या कहते हैं थर्मोसिडोफिल्स कहते हैं ठीक है ना और जो इसमें पाए जाते हैं भाई साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हेलो फी कहते हैं ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैथोनोजन बैक्टीरिया होता है ना ये मैथोनोजन बैक्टीरिया मैथेन प्रोड्यूस करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं गैस 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 जी का मतलब को जनरेट करते हैं ठीक है ना कौन सी गैस को जनरेट करते हैं मैथेन गैस को ये बात आपको याद रखनी है तो ये हमारा पूरा पहला कैटेगरी जो है आद बैक्टीरिया की खत्म हो गई है वास्तान वाली फिर हम आद बैक्टीरिया के बारे में अब चलते हैं यू बैक्टीरिया समस्या है वो यही तो है के दो नाम याद करने पड़ते हैं ठीक है ना मीडियम वालों को बैक्टीरिया दूसरा है हमारा यू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया की सबसे पहले वही हैबिटेट की बात कर लेते हैं इसका हैबिटेट में कुछ इतना खास नहीं है habitat में ये बताता है कि ज्यादातर जो uh, है ना ये मैराइन है मैराइन का मतलब समुद्री है समुद्र में पाए जाते हैं ठीक है कोस्ट ज्यादातर तो ज्यादातर कहाँ पाए जा रहे हैं भाई समुद्र में पाए जा रहे हैं ठीक है ना मेराइन है कुछ इनमें से जो है ना स्थानीय होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं ठीक है ना प्रदूषित जल में पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं प्रदूषित जल में तो कुछ ऐसे हैं जो प्रदूषित जल में पाए जाते हैं पोलिटेड वाटर जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं

ये जो कलोनी बना के रहते हैं तुमने देखा भी होगा ब्लूम हो जाता है बैक्टीरिया का एक तरह का ब्लूम ठीक है ना ब्लूम देखा होगा कहीं पे छोटा मोटा पोड देखा होगा वहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता है कभी कभी देखा आपने एल्गल ब्लूम बोलते हैं उसको एल्गम एल्गल ब्लूम हो जाता है एल्गल <स्थाँग> ब्लूम ठीक है अब हम दूसरा इसमें जो डिस्कस करेंगे ये बैक्टीरिया में इसकी पहचान के बारे में डिस्कस करेंगे इसको रिकॉग्नाइज भी करना है पहचान पहचान को क्या बोलते हैं भाई उट टू इसे रिकॉग्नाइज कैसे करें इस बैक्टीरिया को पहचानने कैसे तो पहचानने के लिए बता रहा है कि भाई कुछ बड़ी बात नहीं है एक तो इसकी कोशिका भित्ति को पकड़ लो आपको अगर पहचानना है तो कह रहा है कि इसकी कोशिका भित्ति जो होगी पहचान में बता रहा है कि इस बैक्टीरिया की जो क्या होगी हाँ पॉइंट है पहचान के भी पहचान का पहला पॉइंट है कह रहा है कि जो इसकी कोशिका भित्ती होगी जिसे आप इंग्लिश में एक वर्ड से जानते होंगे सेलवोल जो होगी इसकी वो कठोर होगी कठोर तो तो का मतलब हार्ड होगी तो एक तो उसकी कोशिका भित्ति क्या होगी भाई हार्ड होगी वॉल उसकी हार्ड होगी दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके अंदर जो है चलने के लिए कुछ पेड़ होते हैं इसके चलने के लिए इसके क्या होते हैं पेड़ होते हैं इसके और इसके जो पेड़ होते हैं जिनसे चलता है उन उन पेड़ों को जो है ना सीलिया बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको सीलिया तो इसके बॉडी पे सीलिया होते हैं सीलिया इसके क्या है भाई पेड़ है इसके जिससे चलता है ठीक है ना दिखा देंगे इस तरीके से और ये कह रहा है कि इनमें कुछ में जो है ना क्लोरोफिल पाया जाता है कुछ में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है और जिन में क्लोरोफिल पाया जाता है जिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें साइनो बैक्टीरिया कहते हैं क्या कहते हैं उनको कहते हैं साइनो बैक्टीरिया अच्छी बात यह है कि हिंदी में भी नाम साइनो बैक्टीरिया ही है तो दो नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही नाम में कम चल जाएगा साइनो बैक्टीरिया तो जिन भी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाएगा उनको क्या कहेंगे साइनो बैक्टीरिया एक नाम और भी दे दिया गया है इनके लिए एक नाम और भी दे दिया गया है इन्होंने कहा कि ये शैवाल होते हैं एलगी उनसे बहुत सिमिलरिटी दिखाते हैं सिमिलरिटी का मतलब उनसे बहुत ही ज्यादा समानता दिखाते हैं तो उनके नाम पर ही इनका एक और नाम रख दिया गया है वो नाम इनका क्या है वो है ब्लू ग्रीन एलगी क्या भी कह दिया इनको ब्लू ग्रीन एलगी ग्रीन अब क्वेश्चन क्या आएगा नीट में अच्छा अच्छी बात यह है कि ब्लू ग्रीन एलगी को नील हरित शेवाल कहते हैं क्या कहते हैं नील, नील, है. नील हरित शेवाल हिंदी में कहते हैं नील हरित शेवाल इन्हें भी कहते हैं हिंदी में अब यहां पर समझने की बात ये ऐसे क्वेश्चन आएगा नीट में क्वेश्चन आएगा नील हरित शैवाल इंग्लिश में बी जी है ब्लू ग्रीन एलगी निम्न में से कौन है या निम्न में से कौन है विच ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी तो ब्लू ग्रीन एलगी में से कौन है ऑप्शन दे देगा वो कि वायरस है ऑप्शन बी दे देगा कि ये एक बैक्टीरिया है ऑप्शन सी दे देगा कि ये एक एलगी है ऑप्शन सी क्या दे देगा ये एक एलगी है ऑप्शन डी दे देगा ये एक फंजाई है ये क्या की क्वेश्चन हो गया ब्लू ग्रीन क्वेश्चन क्या है बैक्टीरिया है? 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 है वो एक, एक, एक एलगी है या वो एक फंग अब इसके नाम में एलगी आ रहा है तो सत्तर प्रतिशत बच्चे इस चीज को देखे कि भाई इसके नाम में एलगी आ रहा है तो उसको एलगी लगा लेते हैं जबकि पूरी तरीके से बात गलत है क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि ये तो

कि अभी बात की हमने साइनोबैक्टीरिया की इस साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल अब साइनोबैक्टीरिया में अगर क्लोरोफिल होता है पहला पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं यहाँ पे अगर साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रकाश इंसुलेशन भी होगा तीनों चीजें जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई फोटोसिंथेसिस भी होगा तो साइनो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल है क्लोरोफिल है तो इसलिए इसमें क्या होगा जरूर या फोटोसिंथेसिस होगी होगा हो ही होगा ठीक है ना एक पॉइंट तो ये हो गया दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ जंतुओं के बारे में हमने बात की थी कुछ बैक्टीरिया सॉरी जो प्रदूषित वातावरण में पाए जाते थे पॉल्यूटेड वाटर में पॉल्यूटेड वाटर की बात की थी ना तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो पाए जाते थे कहां पर पोल्यूटेड वाटर पोल्यूटेड वाटर का मतलब क्या था प्रदूषित जल तो जो प्रदूषित जल में पाए जाते थे उनके एग्जाम्पल यहाँ पर एक दो देने हैं कौन कौन से हैं तो जैसे प्रदूषित वातावरण पाए जाते हैं एक बता रहा है नोस्टॉक नाम का है क्या है भाई नोस्टॉक एक कह रहा है एनाबीना है एनाबीना एक तो नोस्टॉक पाया जा रहा है प्रदूषित वातावरण और एक कौन सा पाया जा रहा है एनाबीना पाया जा रहा है ठीक है ना नोस्टॉक और एनाबीना तो ये दोनों के अंदर एक गुण होता है इनके अंदर क्या होती है कोशिका होती है उस कोशिका का नाम है टेट्रोसिस्ट नामक इनकी एक विशेष कोशिका होती है कौन सी कोशिका है होती है टेट्रोसिस्ट इनके अंदर एक कोशिका होती है कोशिका का मतलब एक खास प्रकार की सेल होती है जिसका नाम है टेट्रोसिस्ट टेट्रोसिस्ट हिंदी में टेट्रोसिस्ट कुछ फर्क पड़ा सेम वर्ड है दोनों के लिए तो टेट्रोसिस्ट सेल जो होती है इनमें क्या करती है कि वातावरण के नाइट्रोजन को कौन से नाइट्रोजन को वातावरण के नाइट्रोजन को एन को स्थिर कर देती है क्या कर देती है फिक्स कर देती है बिल्कुल सही वातावरण के नाइट्रोजन को क्या कर लेती है फिक्स कर लेती है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करके कुछ चीज में बदलेगी नाइट्रोजन को फिक्स करके किसी रूप में बदलेगी अब नाइट्रोजन को किस रूप में बदलेगी तो ये फिक्स करा इसने फिक्स करने के बाद इसको रूप में बदलेगी कहीं रूप में बदलेगी तो कई रूप में बदलेगी कई रूप में बदलेगी कई रूप में बदलेगी तो वो कई रूप जो है वो कौन कौन से हैं जैसे कि नंबर एक कह रहा है कि अमोनिया में बदल देगी नाइट्रोजन को किस बदल देगी अमोनिया में बदल देगी एनएस्त्री में बदल देगी डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया मैंने बट आप नाम याद रखिएगा अमोनिया एनस्त्री दूसरा है कि नाइट्रेट में बदल देगी दूसरा है नाइट्रेट में बदल देगी नाइट्रेट तीसरा पॉइंट है नाइट्रेट की जगह नाइट्राइट में, में बदल देगी किसमें बदल देगी नाइट्राइट में बदल देगी तो ये देख रहे आप एन टू कितनी चीजों में बदल रहा है तीन चीजों में एक अमोनिया में एक नाइट्राइट में और एक किसमें बदल रहा है नाइट्रेट में और ये तीनों बाद में ऑक्सीकृत होकर ये तीनों पदार्थ चाहे वो अमोनिया हो चाहे वो नाइट्रेट हो चाहे वो नाइट्राइट हो कोई से भी हो ये तीनों के तीनों ऑक्सीकृत होकर क्या होकर ये तीनों के तीनों ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत का मतलब होगा ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज तो ये तीनों के तीनों ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट एन आई टी आर टी नाइट्रेट नाइट्राइट एन आई टी आर आई टी ई तो ये तीनों के तीनों क्या होकर भाई ऑक्सीकृत होकर यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होकर ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि एटीपी का मतलब ऊर्जा हो गई एनर्जी ठीक है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एटीपी में कन्वर्ट हो गए ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज्ड होकर यानी कि चेंज होकर बदलकर हवा से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कर ये किस में टूट गए एटीपी में टूट गए किस में टूट गए भाई एटीपी में टूट गए और नाइट्रोजन से फिर और भी कई इनमें महत्वपूर्ण पदार्थ बनेंगे ठीक है ना लेकिन फिलहाल आपको बस यहाँ पर इतना समझना था दोबारा फिर साइनो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है दूसरा कुछ बैक्टीरिया पोल्यूटिन वाटर में पाया जाता है जैसे कि नॉस्टॉक भी इनमें सेल्स होती है जिसे क्या कहते हैं टेट्रोसिस्ट कहते हैं ये वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करके बदल देती है अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट में और ये तीनों बदल सकते हैं ऑक्सीकृत होकर किसमें ऊर्जा में बात यहाँ तक क्लियर है तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन देखते हैं कितने तरह के होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया जीवाणु में प्रजनन भी कह देते हैं जनन भी कह देते हैं है? ठीक है ना तो ये किस तरीके से करता है पहला पॉइंट बता रहा है इसका फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कह रहा है कि सेल डिवीजन से करता है कोशिका विभाजन के द्वारा जनन करता है पहला क्या है सेल डिवीजन कोशिका विभाजन तो को यह एक से दो में बांट लेगा दो से चार में लेगा ऐसे चला जाएगा और इनका जनन होता चला जाएगा ठीक है ना सेल को बांट लेगा ठीक है ना दूसरा कह रहा है कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में आकर ये बीजाणु से भी कर सकता है विपरीत परिस्थितियों में तो बी कह रहा है विपरीत परिस्थितियों में कैसी परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों का मतलब होता है आ, जो मतलब ऐसी स्थितियां होती है जो इनके अनुकूल नहीं है विपरीत है इनके अपोजिट है ठीक है ना हाँ बिल्कुल ठीक है हार्ड डिविजन नहीं कर सकते ऐसी कुछ स्थिति आ रही है ठीक है ना फेवरेबल वातावरण नहीं है कुल मिला के अनुकूल स्थितियां नहीं है ठीक है ना कैसी स्थितियां नहीं है अनुकूल स्थितियां नहीं है अडेप्टेबल परिस्थितियां नहीं है तो वहां पर ये क्या करता है बीजाणुओं के द्वारा जनन करने लगता है किसके द्वारा बीजाणु के द्वारा बीजाणु मतलब स्पोर बोलते हैं स्पोर। तो इसके कुछ स्पोर होते हैं या खाली खाली स्पोर बोल लीजिएगा जूसपोर भी बोल सकते हैं खाली क्या भी बोल सकते हैं स्पोर भी बोल सकते हैं तो स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है इन अनफेवरेबल कंडीशन इन अनफेवरेबल कंडीशन या अपोजिट कंडीशंस uh, फिर ये कह रहा है कि कहीं कहीं पर ये क्या करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है लैंगिक जनन भी करता है तो ये प्रोडक्शन ये देखिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का इसका तरीका ये क्या होता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर कर देता है मान लो ये बैक्टीरिया वन है ये बैक्टीरिया टू है ये वन है ये टू है ये यहाँ पे इसका डीएनए है तो ये अपना डीएनए उठा के कहाँ ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा तो इसका डीएनए इसमें क्या हो गया ट्रांसफर हो गया वन का डीएनए टू में क्या हो गया ट्रांसफर हो गया इसी डीएनए का ट्रांसफर को हम कौन सा रिप्रोडक्शन कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे ठीक है ना तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता चल गया डीएनए के जरिए से होता है फिर ये रिप्रोडक्शन का मेथड इसका यहाँ पर जो है ना हमारा समाप्त होता है फिर आता है एक जीव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दो लाइन के बारे में पूछ लेंगे पढ़ लेंगे एक जीव होता है माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा हिंदी में भी माइको प्लाज्मा ही कहते हैं तो ये माइको प्लाज्मा एक दुनिया का ऐसा जीवधारी है जिसके अंदर कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती तो ये विदाउट सेल वॉल है अकेला है ये विदाउट सेल वॉल इसके अंदर कोशिका भित्ती नहीं होती विदाउट सेल वॉल ये होता है बिल्कुल नहीं पाई जाती इसके अंदर ठीक है ना और ये सबसे छोटी लिविंग सेल है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन वर्ल्ड पूरी दुनिया की सबसे छोटी जीवित कोशिका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है 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 ठीक ना दूसरा पॉइंट तीसरा ये सरवाइव कर सकता है इट कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है बिना ऑक्सीजन के भी क्या रह सकता है जिंदा रह सकता है तो कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन मिनोक्सीजन के भी क्या रह सकता है जिंदा रह सकता है ठीक है ना और ये हमारे लिए क्या करता है हमें क्या करता है तो ये चाहे हम हो चाहे प्लांट हो प्लांट में एंड एन एनिमल में प्लांट हो चाहे एनिमल हो उनके लिए जो है ये रोगजनक होता है रोगजनक को जो भी चीज़ रोगजनक होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन क्या बोलते हैं पैथोजन रोगजनक यानी कि हमारे में तो बीमारी पैदा करता है हमारे में भी पेड़ पौधे तो हमारे लिए रोगजनक है बीमारी पैदा करने वाला है किंगडम के बारे में पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोटिस्टा से इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा प्रोटिस्टा को तो प्रोटिस्टा के बारे में जो मुझे सबसे पहले आपको बताना चाहिए वो ये है कि ये हैबिटेट इसका क्या है हैबिटेट बता देता हूँ पहला पॉइंट इसका भी मैं आपको तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से हैबिटेट का कर लेते हैं वास स्थान या स्थान इसका कहां पर पाया जाता है तो ये ज्यादातर पाया जाता है एक्वाटिक है ये सारे के सारे क्या है ज्यादातर एक्वाटिक हाँ जलीय प्राथमिक जलीय है प्राथमिक रूप से अगर आप इन्हें देखें सबसे पहले अगर आप इन्हें देखें तो ये जल जल में पाया जाता है बाकी तो फिर थोड़े बहुत मिट्टी में पाई जा सकते हैं हवा में पाए जा सकते हैं सभी जगह पाए जा सकते हैं लेकिन प्राथमिक रूप से जो आप बोलते हैं ना पहली चीज उसके बारे में क्या दिमाग में आती है तो पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो जल आना चाहिए कि हाँ भाई ये जल में पाया जाता है तो पहली चीज इनके बारे में दिमाग में क्या आती है कि ये जल में पाया जाता है दूसरी चीज इनके बारे में ये आती है कि जो प्रोटिस्टा है सारे के सारे ये कैसे होते हैं नंबर दूसरा पॉइंट ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं क्या होते हैं यूनिसेलुलर पूरा पूरा प्रोटिस्टा जो है पूरा पूरा प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है एक कोशिकीय यानी पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ है पूरा शरीर किसका बना हुआ है एक ही कोशिका का बना हुआ है ठीक है ना तीसरा पॉइंट यह आता है कि प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं इनमें से कुछ क्या भी होते हैं प्रकाश कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं तो जो कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं प्रकाश संश्लेषी का मतलब फोटो सिंथेसिस कर सकते हैं फोटो सिंथेसिस को शो करते हैं तो जो को शो करते हैं उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है उसका आप उदाहरण दे दीजिएगा युगलीना क्या भाई युगलीना एक ऐसा जो है ना यहाँ पे जीव है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है पेड़ की तरह व्यवहार कर सकता है ठीक है फिर चौथी चीज आती है इनकी कैटेगरी इन्हें किन भाग में बांटा गया है पार्ट इनके कितने हिस्से बांटे गए इनके पार्ट्स साइंटिस्ट ने इसके कितने पार्ट्स बांटे हुए हैं एक दो तीन और लगभग मान लीजिएगा तीन पार्ट इसके मोटे मोटे तौर पर बांटे हुए हैं ठीक है तो वो देख लेंगे कौन कौन से पार्ट्स पहले का नाम जो है क्राइसोफाइट इंग्लिश में भी हिंदी में भी क्राइसो फाइट दूसरा जो है इसका भाग दूसरा प्रोटिस्टा का यानी कि इसके क्लास समझ लो किंगडम कि था ना वो सर ये किंगडम है ना जगत तो इसके अंदर ये जगत के अंदर इसके भाग हैं इसकी क्लास है ठीक है ना तो एक तो हो गया कौन से क्राइसोफाइट एक का नाम है में भी यही डाइनोफ्लेजलेट और, और एक है एक क्या भाई यूग्लिनोड हिंदी में क्या हो जाएगा हिंदी में बताओ क्या हो जाएगा युग्लिनोइड हिंदी में भी यूग्लिनोड ही हो जाएगा और इसमें कुछ जो है प्रोटोजोआ भी आते हैं ठीक है ना क्या भी आते हैं इसके अंदर प्रोटोजोआ इसमें प्रोटोजोआ की प्रोटोजोआ भी है सी डी प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ भी आप इसी के अंदर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ ठीक है ना तो प्रोटोजोआ भी हो गए हैं इसके अंदर तो ये सारे के सारे किसके अंदर रखे जा रहे हैं भाई प्रोटिस्टा के अंदर रखे जा रहे हैं और कुछ इसके अंदर जो है ना टाइप्स ऑफ ये हैं क्या बोलते हैं इनको कवक माइसीलियम जिसे बोलते हैं ना तो कुछ आ, इसमें कवक भी हैं ठीक है ना अपवंक कवक बोलते हैं तो कुछ इसमें जो है ना फंजाई भी हैं तो सम समझाई ठीक है ना वो भी देख लेंगे हमें तो टोटल एक दो तीन चार पाँच पांच भाग हो गए इसके तो अभी ये पांच के पांच भाग आपको पढ़ना है ठीक है ना तो पहला हेडिंग आप डाल लीजिएगा इसका पहला वाला क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स में देखेगा क्राइसोफाइट्स में सबसे पहले तो

डैस मिनट को हिंदी में सुनहरे सेवाल बोलते हैं क्या बोलते हैं सुनहरे सेवाल शवाल ठीक है ना डाईटम्स तो एक तरह की डाईटम्स मिट्टी होती है ठीक है ना डाइटम क्या होती है एक तरह की मिट्टी बन जाती है और जो सुनहरे सेवाल है ये इसी के अंदर आते हैं ठीक है थीके? दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं ये डाइटम्स भी और ये भी ठीक है ना इनका एरिया क्या है जहाँ पर ये पाए जाते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कहाँ पाए जाते हैं तो ये आप लिख लीजिएगा ये पाए जाते हैं आ, साफ जल में और समुद्री जल में दोनों में पाए जाते हैं और यहाँ तक कि पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं तीनों में पाए जाते हैं ठीक है ना तो खास तौर से लिख लीजिएगा एक तो साफ जल और एक कहाँ पर समुद्री जल ठीक है ना बस दोनों दोनों में लिख समुद्री समुन्द्री जल साफ जल यानी कि क्या हो जाएगा आपका क्लीन वाटर और समुद्री जल क्या हो जाएगा मेराइन वाटर क्या हो जाएगा मेराइन वाटर तो एक मेराइन में और एक क्लीन में ठीक है ना और तो मेराइन और क्लीन वाटर में दोनों में पाया जाते हैं ठीक है ना उसके बाद में आता है कि बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं सूक्ष्म होते हैं यानी कि जो दोनों है ना बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं सूक्ष्म होते हैं यानी कि इंग्लिश में क्या वर्ड है सूक्ष्म के लिए माइक्रो तो इन्हें देखने के लिए माइक्रो को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की अगर इन्हें आपको इंडिविजुअली देखना है अब इसके अंदर जो है ना फिर की बात कर रहा है दूसरे पॉइंट में में बी में कि जो इसके अंदर है कौन सी भाई इस के अंदर एक कोशिका भित्ती, होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ती इंग्लिश में क्या कहते हैं कोशिका भित्ती को सेल वॉल तो इसके अंदर सेल वॉल होती है कोशिका भित्ती होती है ये जो इसके अंदर सेल वॉल होती है ये सेल वॉल इनके इनके अंदर एक कवच का काम करती है किसका कवच का काम करती है और किसकी लिए। ओ। ना अच्छा, आप आगे देखिएगा जो इसमें सेल वॉल होती है किस चीज की बनी होती है ये पूछ लेगा वो तो ये बनी होती है सिलिका की किसकी बनी होती है सिलिका, सिलिका। तो सिलिका एक सब होता है उसकी ये सेल वॉल बनी होती है सिलिका की ठीक है ना तो ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है भाई सिलिका की बनी होती है बाद में जब ये डायटम्स मर जाते हैं बड़ी संख्या में इनकी मेमब्रेन जो है ना इकट्ठी हो जाती है जैसे ये मरते रहते हैं और मर मरने के बाद डायटम्स मर गया ठीक है ना मरने के बाद तो मरने के बाद क्या होगा आफ्टर डेथ इनके जो सिलिका वाली ये जो सेल वॉल है जो किससे बनी हुई है सिलिका की तो ये सेल वॉल इकट्ठी होती रहेगी कलेक्शन बनता रहेगा इनका क्या बनता रहेगा इनका कलेक्शन इकट्ठी होती रहेगी जब ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी ना मात्रा में तब इनके कलेक्शन को कहेंगे दा क्या कहेंगे उसको डाईटम yeah. सोयल या डाईटमी सोयल क्या कहेंगे उसको यानी कि मिट्टी क्या कहेंगे डाईटमी मिट्टी या मर्दा तो डाईटम सोयल डाइटमिक कह लीजिए डाइएटमिक या डाइ कह लो डाइएटम सोयल तो ये डायटम सोयल बन जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डायटम सोयल किससे बनती है तो डायटम सोइल किससे बनते है डाइटम से ही बनती है कैसे बनते है जब डाइटम्स मर जाते हैं तो उनकी जो सेल वॉल होती है ना वो इकट्ठी होती रहती है सिलिका की बनी हुई और उससे जो ना क्या बन जाती है आपकी डाइटम सोइल बन जाती है ये करोड़ों साल में इकट्ठी होती है जाके कितने साल में करोड़ों साल में तो क्रोरोफियर्स ऑफ क्रोर ईयर्स तो ये नंबर समझ लीजिएगा एक दो साल में इकट्ठी हो जाएगी करोड़ों साल लगते हैं इकट्ठी होने में क्योंकि यही इतने छोटे छोटे से मरते रहेंगे गट्टी उतती रहेंगे मरते रहेंगे तो है नहीं इतनी बड़ी बड़ी है ठीक है ना क्योंकि चट्टान के चट्टान लग जाएंगे जब इतनी छोटी है करोड़ों साल तो लगे जाएंगे जमा होने में ठीक है ना तो करोड़ों साल लगते हैं फिर इसका फायदा क्या होता है ये बात आपके ये आएगा इसका यूज़ क्या है डाइटम्स ऑयल का यूज़ क्या है फायदा क्या है आज के दौर में अगर हम देखें इसका क्या फ़ायदा है तो एक तो हाँ इसके यूज़ है एक तो इसका जो है ना ऑयल बनाया जाता है ठीक है ना एक इससे सिरप बनाया जाता है क्या बनाया जाता है भाई सिरप सिरप समझ गए सिरप का जो सस्पेंशन होता है ना लिक्विड से उसमें वो वो बनाया जाता है इसी से और एक पॉलिश करने में भी काम आते हैं इसरा पॉलिश तो ये इसके तीन यूज आपके सामने यहाँ पर आ गए ठीक है ना और समुन्द्र में मुख्य उत्पाद भी है ये मेन प्रोड्यूसर क्या है मेन प्रोड्यूसर इन समुन्द्र को क्या बोलते हैं मेरा मेन प्रोड्यूसर है।, है ये समुद्र के अंदर मेन प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है